हेलो फ्रेंड्स, एक्चुअली इस वीडियो ट्यूटोरियल में मैं आपको कुछ पढ़ाने नहीं वाला हूँ। ये वीडियो ट्यूटोरियल में मैं आपको बताऊंगा कि हम नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल जो मैं बनाऊंगा उसमें क्या पढ़ेंगे। तो इस वीडियो ट्यूटोरियल में जो भी स्टेप्स मैं आपको बताऊंगा वो आपको फॉलो करने पड़ेंगे और वैसा ही आपको सेट करना पड़ेगा ताकि हम नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में डायरेक्टली स्टार्ट कर पाएँ। तो नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल से हम एक ऐप बनाएंगे जो कुछ काइंड ऑफ ऐसा दिखेगा। ये जस्ट मैंने एक प्रोटोटाइप यहाँ पे दिखाया है। हम इससे बेटर वे में एप्लीकेशन बनाएंगे। तो यहाँ पे जो आपको दिख रहा है सबसे ऊपर, ये एक प्रकार से टैब है। जैसे ये फर्स्ट टैब हो गया, सेकंड टैब, और ये वाला थर्ड टैब हो गया। और जब मैं फर्स्ट टैब में क्लिक करूंगा तो यहाँ जो हमारा इधर वाला विन पार्ट है इसमें हमें न्यूज़ दिखेगा। तो जैसे अगर मैं टॉप हेडलाइंस में अगर क्लिक किया तो इस वाले सेक्शन में हमें टॉप हेडलाइंस दिखेगी। फिर अगर मैं बिजनेस में क्लिक किया तो इस वाले सेक्शन में बिजनेस दिखेगा, और अगर मैंने स्पोर्ट्स सेक्शन में क्लिक किया तो इस वाले सेक्शन में स्पोर्ट्स की न्यूज़ दिखेंगी। और फिर इसके बाद ये एक प्रकार से पूरा डाटा जो है वो लिस्ट काइंड का है, लेकिन हम लिस्ट व्यू नहीं यूज़ करेंगे, हम उससे बेटर वे में रिसाइक्लर व्यू यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो अगर मैं किसी डाटा में क्लिक करता हूँ तो ये एक दूसरा एक्टिविटी ओपन करेगा। यहाँ पे अगर मैं क्लिक करूँगा तो ये जस्ट एक दूसरा एक्टिविटी ओपन करेगा, और उस एक्टिविटी के अंदर उसकी इन्फॉर्मेशन, जैसे यहाँ पे सबसे ऊपर इमेज आ जाएगा, फिर यहाँ पे न्यूज़ आ जाएगा, और यहाँ पे कुछ न्यूज़ की डिटेल्स। तो कुछ ऐसा हमें एप्लीकेशन बनाएंगे। और इस वीडियो ट्यूटोरियल में ऑफ़ कोर्स हम फ्रैगमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ पे देखा जाए तो पूरे एप्लीकेशन में हम सिर्फ एक ही एक्टिविटी यूज़ कर रहे हैं। ये जो हमारा सबसे बैकग्राउंड में रहेगा वो मेन एक्टिविटी हमारी रहेगी, उसके ऊपर हम एक टैब लेआउट यूज़ करेंगे जिसमें तीन टैब्स होंगे, और फिर इसके बाद वो तीनों टैब एक ही फ्रैगमेंट को शेयर करेंगे। तो एक प्रकार से यहाँ पे हम सीख जाएंगे कि हम फ्रैगमेंट को रीयूज़ कैसे कर सकते हैं। तो हमारा फ्रैगमेंट एक ही रहेगा, बट उस फ्रैगमेंट का जो डाटा है वो चेंज होगा। तो अगर टॉप हेडलाइन का है, न्यूज़ के बारे में हम देख रहे हैं, तो सिर्फ टॉप हेडलाइंस का ही न्यूज़ दिखेगा। तो हमारा जो फ्रैगमेंट है वो सिर्फ टॉप हेडलाइंस की न्यूज़ दिखाएगा। फिर इसके बाद अगर हम बिजनेस में क्लिक किए तो हमारा फ्रैगमेंट सेम है, उसको हम रीयूज़ करेंगे और वहाँ पे डाटा हम बदल के डाल देंगे बिजनेस न्यूज़ का, और सेम वैसा ही स्पोर्ट न्यूज़ के साथ। तो अब यहाँ पे जो इसका डाटा है वो कहाँ से आएगा, वो हम करेंगे API से। तो ये अच्छा मौका है कि आप इस एप्लीकेशन के थ्रू कैसे API को कॉल करते हैं। तो मैंने अपनी लास्ट वीडियो ट्यूटोरियल में आपको बताया था API को कैसे कॉल करते हैं और हमें JSON रिस्पॉन्स मिलता है। तो सेम इस वीडियो ट्यूटोरियल में भी हम वही करने वाले हैं, लेकिन बेटर वे में। तो इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम रेट्रोफिट और OKHTTP का यूज़ करेंगे। तो रेट्रोफिट यूज़ करके हम API कॉल करेंगे, और OKHTTP एक प्रकार से रेट्रोफिट जो है उसको यूज़ करेगा HTTP कॉल्स के लिए, जैसे गेट और पोस्ट रिक्वेस्ट के लिए। फिर जो डाटा हमारा है वो हमें मिलेगा JSON फॉर्मेट में। तो इस JSON फॉर्मेट को लास्ट टाइम हम क्या कर रहे थे, मैनुअली पार्स कर रहे थे। तो इस बार हम क्या करेंगे, डायरेक्ट JSON लाइब्रेरी यूज़ करेंगे। तो जैसे लास्ट टाइम हम कुछ 10-15 लाइन का कोड लिखे थे, तो वो सारा कोड सिर्फ एक या दो लाइन में हो जाएगा। और हम इस वीडियो ट्यूटोरियल में व्यू मॉडल के बारे में भी जानेंगे। तो व्यू मॉडल का हम यूज़ करके डाटा जो है एक फ्रैगमेंट से दूसरे फ्रैगमेंट में कैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं वो सीखेंगे। प्लस अगर हमारा एक्टिविटी रोटेट होता है, क्योंकि जो व्यू मॉडल होता है वो लाइफ साइकिल अवेयर होता है, तो हमें जो भी प्रॉब्लम्स आती थी पहले एक्टिविटी अपने मोबाइल रोटेशन और इन सब में, वो
हम फेस नहीं करेंगे और हमारा डाटा भी लॉस्ट नहीं होगा। तो हम ये सारे 6 चीज इस वीडियो ट्यूटोरियल में जानेंगे। नेक्स्ट मैं ये चाहता हूँ कि आप वेबसाइट जाएंगे newsapi.org। इस वेबसाइट में आपको जाके, एक्चुअली हम इस एप्लीकेशन में यही वेबसाइट यूज़ कर रहे हैं और इसी की APIs यूज़ कर रहे हैं। तो आपको अगर मैं एक एग्जांपल दिखा दूँ, तो यहाँ पे एक API है http news.org टॉप हेडलाइंस, और इसके बाद कंट्री, और यहाँ पे API की। तो अगर मैं अपना API की डालूँगा तो मुझे न्यूज़ कुछ इस फॉर्मेट में दिखेगी। तो आपको यहाँ पे इस वेबसाइट में आके, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, यहाँ पे आके आपको गेट API की में क्लिक करना है। तो बेसिकली यहाँ पे फंडा क्या है कि अगर आप कोई भी API कॉल करेंगे न्यूज़ API का, तो आपको API की पास करना पड़ेगा। इसीलिए हमें यहाँ पे रजिस्टर करना है। तो हम आके अपना नेम डालेंगे और फिर इसके बाद ईमेल एड्रेस, आपका जो पासवर्ड है वो आप डालोगे। इसके बाद आप आई एम एन इंडिविजुअल इसको सेलेक्ट करके, फिर इसके बाद आई एम नॉट रोबोट, और इसके बाद जब सारे स्टेप्स हो जाएंगे तो आप सबमिट कर देंगे। जब आप सबमिट कर देंगे तो आपका अकाउंट यहाँ पे खुल जाएगा। तो मेरा ऑलरेडी इसमें अकाउंट है, तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली जाके लॉगिन में क्लिक करूँगा, और लॉगिन में क्लिक करने से मैं अपने उसमें लॉगिन हो जाऊँगा। तो यहाँ पे नेक्स्ट चीज़ आप देखेंगे लॉगिन होने के बाद, कि आपको यहाँ पे अकाउंट सेक्शन में, तो अगर आप सपोज़ अकाउंट सेक्शन में नहीं है, तो आप अपने ये जो ईमेल एड्रेस दिख रहा है यहाँ पे आप क्लिक करके भी अकाउंट सेक्शन में जा सकते हैं। और यहाँ पे है आपका API की, तो आप चाहें तो यहाँ पे रीजनरेट करके क्लिक कर सकते हैं, तो आपकी API की रीजनरेट हो जाएगी। तो यहाँ पे आपका API की है, तो आप एक्चुअली इस API की को ध्यान में रखिएगा, ये API की हम यूज़ करेंगे। फॉर द मोमेंट बस आपको अकाउंट यहाँ पे क्रिएट करना है, लॉगिन करना है, और इसके बाद आप यहाँ पे जब फिर से उस पेज में जाएंगे, अब यहाँ पे आप लॉगिन है तो उस पेज में वापस जब जाएंगे, तो आपका ये जो लिंक है इसमें पहले अगर आप देखे होंगे तो API की नहीं दिख रहा था, तो अब आपकी यहाँ पे API की भी दिखेगी। तो अगर आप इस लिंक को जस्ट कॉपी करें और इसके बाद यहाँ पे पेस्ट करें, तो आप देखेंगे आपको कुछ JSON फॉर्मेट में डाटा मिल रहा है। तो बेसिकली आपके ब्राउज़र में कुछ ऐसा दिखेगा। मैं एक प्लगइन यूज़ कर रहा हूँ क्रोम का, जो इस पूरे JSON को फॉर्मेटेड दिखाता है। तो ये पार्स होके ऐसा दिखेगा स्ट्रक्चर फॉर्म में। तो ये प्लगइन का भी लिंक मैं आपको दे दूंगा, आप डायरेक्टली जाएंगे गूगल करेंगे JSON फॉर्मेटर क्रोम, और यहाँ से आप पहले ही लिंक में जाके ये प्लगइन अपने ब्राउज़र में ऐड कर लेंगे। मेरे में ऑलरेडी ये दे रहे हैं, तो आपको भी जो डाटा है JSON वो स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में दिखेगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट चीज़ हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे न्यू सोर्सेस में क्लिक करेंगे, कंट्रीज़ में जाएंगे और सेलेक्ट करेंगे इंडिया। तो इसमें हमारी कंट्री है, तो जैसे मैंने आपको यहाँ पे दिखाया था कि हम टॉप हेडलाइंस बिजनेस और स्पोर्ट्स, तो यहाँ पे आके आपको बिजनेस टॉप हेडलाइन की API की यही पे, ये पूरा API जो है यहाँ पे है, फिर इसके बाद बिजनेस और स्पोर्ट्स। तो हम ये तीन, तो बिजनेस के लिंक लिए आप बिजनेस पे क्लिक करेंगे, और इसके बाद स्पोर्ट्स के लिंक लिए आप स्पोर्ट्स पे क्लिक करेंगे। ये आपकी पूरा API आ गई, और इस API को अगर मैं यहाँ पे पेस्ट मारूं, तो आप देखेंगे JSON फॉर्मेट में पूरा डाटा है। अब यही API की मैं यूज़ करूँगा अपने एंड्रॉयड एप्लीकेशन में, तो यहाँ पे मैं उसको यूज़ करूँगा रेट्रोफिट और ओके HTTP यूज़ करके मैं उसको कॉल करूँगा। तो जो आपका जो डाटा है वो कुछ इस फॉर्मेट में आएगा, JSON फॉर्मेट में। तो इस JSON फॉर्मेट को हम रीड करेंगे यूजिंग JSON लाइब्रेरी, ये लाइब्रेरी यूज़ करके, और ये लाइब्रेरी हमें एक ऑब्जेक्ट देगा, न्यूज़ ऑब्जेक्ट।
तो न्यूज़ ऑब्जेक्ट के अंदर इमेज रहेगा, हेडलाइन रहेगा और न्यूज़ की सारी डिटेल्स रहेंगी। तो जस्ट हमारे पास ऑब्जेक्ट होगा और उस ऑब्जेक्ट को हम व्यू मॉडल में यूज़ करके जब भी हम यहाँ पे क्लिक करेंगे किसी भी एक लिस्ट के आइटम में तो हमें उसका डिटेल मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में करने वाले हैं। हम बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी सीखने वाले हैं, कई नई चीज़ें सीखने वाले हैं। तो फिलहाल आप इस वीडियो ट्यूटोरियल में मैंने आपको जितना भी बताया वो सारे स्टेप्स आप फॉलो कर लीजिएगा और ये जो 6 पॉइंट्स मैंने बताए हैं इनके बारे में आप डिटेल्स पढ़ लीजिएगा ताकि जब मैं वीडियो ट्यूटोरियल बनाऊँ तो आपको अच्छे से समझ जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।